फ्रेंड्स, टुडे वी विल डील अबाउट सम क्वेश्चंस अंडर द सेक्शन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार चॉइसेस हैं। तो एक साइड में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है एंड ऑन द अनदर साइड नेम ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन। हमें मैच करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट इज मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। कि लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे उनसे प्रोड्यूस होता है, सो इट इज़ रॉन्गली मैच्ड। पेनिसिलियम नोटेटम विद एसिटिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम गिव्स पेनिसिलिन, तो ये भी रॉन्ग है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी गिव्स इथेनॉल, इट्स द राइट स्टेटमेंट। इथेनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विच इज़ अ फंगस, सो थर्ड इज़ द राइट चॉइस। एंड फोर्थ इज एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रोड्यूसेस इथेनॉल फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च यूजिंग एज रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज। बायो कंट्रोल एजेंट किसे कहते हैं जहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द प्लांट पेस्ट्स यूज हो रहा हो। तो ट्राइकोडर्मा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इट्स अ फंगस एंड इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ सॉइल बोन पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। तो मैंने आप लोग पहले भी बताया था कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल विच इज अ अल्कोहलिक बेवरेज। एंड रॉ मटेरियल्स आर शुगर्स एंड स्टार्चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डफ केफ्ट ओवर नाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी बिकॉज ऑफ। तो आप घर पर इडली डोसा बनाते हैं, उसके लिए आपको डफ बनाना होता है। केक प्रिपरेशन में भी, बेकरी इंडस्ट्रीज सब में डफ बनाया जाता है। एंड दिस बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, इसमें पफी अपियरेंस आ जाती है। दिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। This is most widely carried out by Saccharomyces cerevisiae, which is a fungus. This fungus carries out the process fermentation. Next question is the common nitrogen fixer in paddy fields is. यहाँ पर पूछा है कि नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है जो कि पैडी फील्ड्स में यूज होता है। आपको चॉइस दिए हैं राइजोबियम, एजोस्पैरिलम, ऑसिलेटोरिया एंड फ्रेंकिया। एजोस्पैरिलम इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड आर ऑल्सो नोन एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। And here one of the living organism is used against pests. आपको चॉइस दी है ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, न्यूक्लियो पॉलीहीड्रोवायरस, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस एंड बेसिलस थुरिंजियंसिस। और पूछा है विच इज़ नॉट यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड। ट्राइकोडर्मा का तो आप जानते हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज बायोपेस्टिसाइड। NPV इज ऑल्सो यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड। Bacillus thuringiensis, which is a bacterium, BT, this is used as a biopesticide. इसकी कुछ varieties हैं जैसे BT cotton, BT brinjal, and it synthesizes a protein, cry protein. तो हमने देखा कि ये तीन तो biopesticides की तरह use हो रहे हैं, and rest is Xanthomonas campestris, which is not used as a biopesticide. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स, इफ अ फर्टिलाइजर इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कॉल इट बायोफर्टिलाइजर एंड दिस मे बी इन सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर कौन सा है। चॉइस इज एनाबीना, राइजोबियम, वैम एंड एजोबैक्टर। एनाबीना आप जानते हैं इट्स अ BGA and this is found in association with azolla. Azolla is a pteridophyte. तो एनाबीना का तो association है with azolla.
एंड राइजोबियम दिस इज फाउंड इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड वेम इट इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. तो एनाबिना भी एसोसिएशन है, राइजोबियम भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वेम इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सो एजोबैक्टर इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एस्टैब्लिश नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड बींग यूज अ बायो फर्टिलाइजर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड. यहाँ आपको चार चॉइस दिए हैं, एल्कोहल, नाइट्रोजिनेज. तो नाइट्रोजिनेज का आप जानते हैं, इट्स एन एंजाइम एंड विच इज यूज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एल्कोहल प्रोडक्शन में नाइट्रोजिनेज का तो कोई रॉन्ग रोल है नहीं, सो इट इज रॉन्गली मैच्ड. नेक्स्ट चॉइस देखते हैं हम, फ्रूट जूस पेक्टिनेज. पेक्टिनेज इज अ एंजाइम विच इज यूज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट जूसेज और इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जूसेज. क्योंकि पेक्टिनेज क्या करता है, इट डिजॉल्व्स मिडिल लेमिला ऑफ द फ्रूट्स, जिससे कि फ्रूट का जूस है वो आराम से स्क्वीज हो सकता है. अमाइलेज इज द एंजाइम विच इज यूज इन टेक्सटाइल्स एंड लाइपेज इज यूज इन डिटर्जेंट्स. जैसे होता है ना कि डिटर्जेंट्स वॉशिंग वगैरह के लिए लाइपेज क्या करता है कि लिपिड्स हैं उनको डिजॉल्व कर देता है. सो एल्कोहल नाइट्रोजिनेज इज द रॉन्गली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ भी चार चॉइस दी है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स, सेरेटिया ड्रग एडिक्शन, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन एंड राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर. आपसे पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स. तो आप जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस में से स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, विच इज फर्स्टली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक बाई वॉक्समैन. सो इट इज करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट इज सेरेटिया ड्रग एडिक्शन. सो इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड स्पाइरुलिना इट्स एल्गा विच इज यूज अ सिंगल सेल प्रोटीन एंड दिस एनहांसेस न्यूट्रिशनल क्वालिटी. And rhizobium is used as a biofertilizer. This is found in leguminous crops in symbiotic association in nodules of leguminous crops. Next question is which one of the following is not used in organic farming. यहाँ आपको चार choice दिए हैं, glomus, earthworm, oscillatoria and snail. Glomus के बारे में आप जानते हैं, it's an example of worm, endomycorrhiza. And earthworms are used in organic farming. Oscillatoria is a blue-green algae. And snail are not used in organic farming. So it's the right answer. Next question is probiotics are. Choices cancer-inducing microbes, new kind of food allergens, live microbial food supplement, or the safe antibiotics. Probiotics, वो microorganism है जो earlier time में evolved. हुए एंड दीज आर माइक्रोब्स यूज एज अ फूड सप्लीमेंट. सो इट्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ. तो कर्ड मिल्क का क्या है, कर्ड में कन्वर्जन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. हम इसे एक सक्सेशनल प्रोसेस कह सकते हैं जिसमें मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है. एंड जब मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं. विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन कर्ड एज कंपेयर टू मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड्स ऑफ राइस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर. तो अगर पैडी के फील्ड्स में कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे ऐड कर दें तो
50% प्रोडक्शन एनहेंस हो जाए। एंचोइसिस या लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस, माइकोराइजा एंड एजोला पिनेटा। एजोला पिनेटा इज द राइट आंसर विच इज फाउंड विद एनाबीना एंड इट एनहेंसिस द प्रोडक्शन ऑफ पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। फर्स्ट इज एजोला एंड बीजीए, नोस्टॉक एंड लेग्यूम, राइजोबियम एंड ग्रासेस एंड साल्मोनेला एंड इकोलाई। सो एजोला एंड बीजीए आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा इज, माइकोराइजा को हम वेम भी कहते हैं एंड एग्जाम्पल इज ग्लूमस, इट इज एन एंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा में आप जानते हैं फंगस और प्लांट की हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाई। तो जो एलनस के रूट नोड्यूल्स हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? इट इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्रेंकिया, एजोराइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम और क्लॉस्ट्रिडियम। सो करेक्ट आंसर इज फ्रेंकिया विच एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एलनस एंड हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है उसको लोअरिंग कौन करता है? चॉइसेस आर लाइपेजेस, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस। लाइपेजेस आप जानते हैं, दीज आर द एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज एंड स्टेटिन्स आर द कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। अब ये पूछा है कि जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है अनएरोबिक डाइजेस्टर के थ्रू तो कौन सा कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर आपको चॉइस दी है लाफिंग गैस विच इज नोन एज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोपेन, मस्टर्ड गैस और मार्स गैस। मार्स गैस इज ऑल्सो नोन एज मीथेन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ। तो एथेनॉल प्रोडक्शन कहाँ से होता है? सैक्रोमाइसिस के थ्रू विच इज अ फंगस एंड स्पेशली बाई द स्पीशीज ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। दिस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ग्रोज ऑन द स्टार्च एंड शुगर एंड कन्वर्ट्स दिस स्टार्च एंड शुगर इंटू इथेनॉल फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्वेटिक फर्न इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड इन पैडी क्रॉप्स। यहाँ पूछा है कि कौन सी फर्न है जो कि पैडी क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करती है? चॉइसिस एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया एंड आइसोइड्स। आइसोइड्स को हम क्विलवर्ट भी कहते हैं। ये सब आपको टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एंड एजोला इज द फर्न विच इंक्रीजेस यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ पेडी क्रॉप्स। दिस इज इन एसोसिएशन विद एनाबीना विच इज वन ऑफ द बीजीए। नेक्स्ट चॉइस इज द सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाई। सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? यहाँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए, कैंडिडा यूटिलिस, एजोबैक्टर, एस्परजिलस नाइजर एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाई एस्परजिलस नाइजर विच इज अ फंगस